देखो, दो तरह से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा होता है, या तो वाकई में सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है जिस वजह से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा होता है, या फिर उस सब्जेक्ट की मैडम बड़ी अच्छी होती है, या फिर उस सब्जेक्ट के सर बड़े अच्छे होते हैं, तब इंटरेस्ट पैदा होता है। तो मेरे को पहले ये बताओ, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में या तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या सब्जेक्ट के टीचर में इंटरेस्ट है? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, सच्ची सच्ची बताओ। ये गलत नहीं है, हालांकि भावनाओं को मैं गलत नहीं मानता हूं। मैं भी एक बार स्टूडेंट था, जब मैं छोटा बच्चा था मैं छोटी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया मैं बड़ी शरारत करता हूं। तो आप अभी बच्चे हो तो ये आपकी उम्र है, दैट्स रियली कूल। अगर किसी की टीचर की वजह से आपको सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाए तो भैया वो तो महान काम कर रहा है या महान काम कर रही है, दैट्स रियली कूल। मतलब कई ऐसे लोग होते हैं जो मैम के चक्कर में या सर के चक्कर में अपनी सब्जेक्ट अच्छी कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें ज्यादा वो मत हो जाना इमोशनल। समझ में आ रहा है? ओवरऑल मेरी आपसे ये कहनी है कि चाहे टीचर की वजह से इंटरेस्ट आया हो क्या, चाहे वो चैप्टर ही इंटरेस्टिंग हो, इन बोथ द केसेस इतना इंटरेस्ट मत पैदा करो कि हाँ मैडम बड़ी अच्छी दिखती है, भाई आज मैं सारा दिन बायो पढ़ूंगा, वो महीने भर से बायो पढ़ रहा भाई साहब। समझ आ रहा है? सब मत करो, कोई फायदा नहीं है आपको, सिर्फ बायो में पास नंबर तो सो ही आएंगे ना, मान लो 100 में से 100 भी ले आए मैडम के चक्कर में, तो बाकी में तो फेल हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना,